नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JM शास्त्री बिरला पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट विद्यालयों में फ्री शिक्षा देने के लिए नई स्कीम चिराग के बारे में। देखिए साथियों, इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान, यानी कि चिराग स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले देने बारे दिशा निर्देश। उक्त योजना कक्षा 2 से 12 तक लागू होगी, यानी पहली कक्षा इसमें नहीं ली गई है। इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त की हो। पिछले वर्ष यानी 2021-22 में जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे वही इसमें फार्म भर सकेंगे। छात्र दाखिले हेतु वर्तमान खंड में, ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो ब्लॉक है केवल फार्म हम वहीं भर सकते हैं, लेकिन स्कूल 2, 3, 4 अपनी मर्जी से भर सकते हैं। ये नहीं है कि स्कूल भी केवल एक ही होगा। नंबर 4 पर है जो सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। ये लिस्ट साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप देख लीजिएगा अपने अपने जिले की और अपने ब्लॉक की सीटें। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षा अनुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए, पहले विद्यालय दाखिला देने में आनाकानी करते थे, लेकिन अब सरकार ने पहले उनकी सहमति ली है, इसलिए वो जितनी जितनी सीटें कक्षा के अनुसार खाली होंगी वो एक बोर्ड पर प्रदर्शित कर देंगे। अभिभावक छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 1/7/22 से 8/7/22 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि हम जो आवेदन करेंगे वो 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। जिन विद्यालयों में ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें दिनांक 11/7/22 को लॉटरी ड्रा अभिभावकों की स्थिति में निकाला जाएगा, यानी कि अगर कम बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक दाखिला हो जाएगा, ज्यादा होंगे तो ड्रा निकालने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 8 में बताया है कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय दिनांक 12/7/22 से 21/7/22 तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, यानी कि बच्चों को दाखिला देकर प्रक्रिया संपूर्ण करने के बाद विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उन विद्यार्थियों की सूची चस्पा करेंगे। लॉटरी ड्रा के पश्चात यदि सफल छात्र एडमिशन नहीं लेते तो 22/7/2022 से 27 जुलाई 2022 तक वेटिंग वाले बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। इस दाखिले की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय सदस्य भी मनोनीत करेंगे। देखिए, ये दाखिले कमजोर वर्ग के बच्चों को दिए जाने हैं, यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हीं बच्चों को इस दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा और वह आय परिवार पहचान पत्र के हिसाब से सत्यापित की जाएगी। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक को पावती यानी कि नीचे जो रसीद दिखाई गई है वो भी अवश्य देगा। जो विद्यार्थी सफल होते हैं उनको सरकारी विद्यालय से SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाना होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली ID यानी PPP होनी अनिवार्य है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त होंगे जिन द्वारा फार्म 6 में विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई होगी, यानी कि यह काम तो विद्यालय का है। विद्यालय द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का MIS पोर्टल पर दाखिले की तिथि से 2 दिन के अंदर अंदर अपडेट करना होगा, ये भी काम स्कूल का है। विद्यालय द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी शिक्षा व निदेशक मौलिक शिक्षा को दाखिले की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अंदर भेजनी होगी। ये है हमारा एडमिशन फॉर्म।
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर चिराग स्कीम। इसके अंदर ये एडमिशन नंबर ऑफिस यूज है, SRN, हर बच्चे को अपना पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वो मांग ले। टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर, इसके अंदर उस स्कूल का नाम लिखें जिसमें आप आवेदन भर रहे हैं। धीरे धीरे अपने बच्चे का नाम, मिडल नेम, सर नेम जो भी है, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ जो DD लिखा है, यहाँ डेट आएगी MM मंथ और Y से ईयर, आगे वर्ड्स में भी लिखना आपने वो। इसके बाद ये आधार नंबर वगैरह भरने के बाद, एनुअल इनकम, टेलीफोन, सभी बातें भरने के बाद, नंबर 8 में पूछा है कि आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS का सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो वो यस और नो करना है। गवर्नमेंट स्कूल का उसका नाम भरना है जहां आपका बच्चा प्रेजेंट में पढ़ रहा है, उस ब्लॉक का नाम भरना है। इसके बाद डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन का मतलब हम घोषणा करते हैं कि मैंने जो बातें भरी है वो सही है। ये नीचे है हमारी रिसिप्ट, रिसिप्ट अवश्य प्राप्त करें जिस स्कूल में आप आवेदन देते हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचे रहें। इसके अलावा विद्यालयों की रिक्त सीटें, आवेदन फार्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक अभिभावक जन इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।